हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस ज्योमेट्रिक बॉक्स के अंदर के सारे टूल्स के नाम इंग्लिश में। तो चलिए बिना देरी किए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। ये ज्योमेट्रिक बॉक्स कैमलिन कंपनी का है और मैंने ये बॉक्स 160 रुपीज में परचेस किया था। तो सबसे पहले हम लोग इस ज्योमेट्रिक बॉक्स को खोल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ये ज्योमेट्रिक बॉक्स काफी अच्छी क्वालिटी का है। इस बॉक्स की पैकिंग भी काफी अच्छी है, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी। इसके अंदर एक हिट क्लो नाम का पेपर है, जिसकी वजह से हमारे सारे ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को हम लोग बचपन में कंपास बॉक्स या फिर कंपास पेटी बोलते थे, लेकिन असल में इसका नाम ज्योमेट्री बॉक्स है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर का पहला टूल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टूल का नाम है डिवाइडर। अब फ्रेंड्स, मुझे बचपन से अभी तक समझ नहीं आया इसका इस्तेमाल किधर करें, क्योंकि आज तक मैंने तो कभी नहीं किया। अगर आपने इसका इस्तेमाल कभी किया होगा तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, इसका इस्तेमाल आपने किसे किया और किस चीज के लिए किया। इसकी पैकिंग काफी अच्छी क्वालिटी की है और रिप्स का पॉइंट खराब ना हो, इसीलिए इसको एक रबर का कैप भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, असल में इस वाले टूल को बोलते हैं कंपास। हाँ फ्रेंड्स, हम जिसको कंपास बॉक्स बोलते हैं ना, असल में ज्योमेट्री बॉक्स होता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल टूल ये वाला होता है, जिसका असल में नाम होता है कंपास। इसका इस्तेमाल हम लोग सर्कल बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी पेंसिल लेने की और साइड वाले होल के अंदर वह पेंसिल डालने की। पेंसिल डालने से पहले आप लोग उस साइड वाले छोटे से व्हील को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल के ले लीजिए। बाद में पेंसिल डालने के बाद उस व्हील को अच्छे से फिट कीजिए, जिससे आपकी पेंसिल नीचे नहीं गिरेगी। और उसके बाद आप लोग एकदम अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग चाहे तो ज्योमेट्री में कीजिए या फिर ड्रॉइंग में कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, ये वाली है छोटी सी लीड पेंसिल। इसका इस्तेमाल आप लोग लाइंस बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है शार्पनर। शार्पनर का इस्तेमाल आप सबको मालूम ही है, आप पेंसिल को शार्प करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है इरेजर। इरेजर काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, इसपे इसका लोगो भी दिया है कैमलिन बोल के। अगर आप इरेजर का अच्छे से यूज करेंगे तो आपका इरेजर गंदा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। हाँ, इस टूल का नाम है स्केल। कुछ लोग इसको रोलर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बचपन में इसको पट्टी बोलते थे, स्मॉल पट्टी, छोटी पट्टी, और एक रहती थी 30 सेंटीमीटर की बड़ी पट्टी। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टूल है हमारा प्रोट्रैक्टर, जिसको हम लोग सेमी सर्कल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। इस वाले टूल का नाम है सेट स्क्वायर 45 डिग्री। इसका इस्तेमाल मैंने आज तक नहीं किया, अगर आपने किया होगा तो प्लीज कमेंट में एक बार बता दीजिए किस लिए किया। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया और इनके नाम हमें अभी मालूम चले। बचपन में तो हम लोग इनको छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बुलाते थे। तो फ्रेंड्स, ये सब हो गए हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स के नाम। अगर इनमें से कोई नाम हमसे छूट गया है तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में ऐड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।